हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता। आज बात करूंगा बर्न एंड स्केल्स की, यानी आग से जलना। दोस्तों, आग से जलना एक कॉमन बात है, जल जाते हैं अचानक कभी भी। तो हम सब के घरों में एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाई है कैंथेरिस। कैंथेरिस मदर टिंचर भी ले सकते हैं और कैंथेरिस 30 में भी ले सकते हैं दोस्तों। और एक कैंथेरिस मरहम आती है ऑइंटमेंट और जेल के रूप में भी आता है दोस्तों। इसमें किसी भी रूप में कैंथेरिस को जले हुए पर अप्लाई करेंगे तो तुरंत जलन ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और जो है जहां पर जल गया, इसको दवाई किसी भी फॉर्म में लगाएं, मदर टिंचर भी लगा सकते हैं, जेल भी लगा सकते हैं और मरहम भी लगा सकते हैं। उसको लगाते आराम आ जाता है दोस्तों। और जुबान पर भी कैंथेरिस 30 की 5-5 बूंद दिन में 4 बार लेना चाहिए दोस्तों। इसको लेने से कितना भी जलावा हो, ये सब ठीक हो जाता है। और यदि किसी का पुराना जलावा हो या जले हुए का स्कार हो या जलने की वजह से सफ़ेद निशान बनने लगते हैं कई बार, तो उसमें कॉस्टिकम काम करता है दोस्तों। कॉस्टिकम 200 सुबह शाम करके रोजाना लेना चाहिए। कुछ महीने लेने से सफ़ेद दाग या स्कार ठीक हो जाता है दोस्तों। स्कार में साइलिसिया भी काम करता है दोस्तों। साइलिसिया भी 200 पावर का सुबह शाम ले सकते हैं दोस्तों। सिचुएशन के हिसाब से या सिम्टम के हिसाब से किसी चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए दोस्तों, ठीक हो जाता है ये सब। और दोस्तों, इस प्रकार के हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए।